नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में बल्ले से दम दिखाया। अब गेंदबाजों की बारी आई तो उन्होंने भी इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को धराशायी कर पलड़ा भारी कर लिया। इंग्लैंड जब तीसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरा तो उसके 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन ओली पॉप ने टीम को संभाला हुआ था। हालांकि ओली पॉप को भी जल्द ही युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह ने चलता कर दिया और इंग्लैंड की धरती पर एक खास उपलब्धि हासिल कर ली। दरअसल नसीम ओली पॉप का विकेट लेते ही इंग्लैंड की धरती पर सबसे कम उम्र में विकेट लेने वाले पाकिस्तान के तीसरे गेंदबाज बन गए। नसीम ने यह करिश्मा उस समय किया जब इंग्लैंड का स्कोर 127 रन पर था। नसीम ने 17 साल 174 दिन की उम्र में इंग्लैंड में अपना पहला टेस्ट विकेट लिया। उनसे पहले रहमान ने 1991 में 17 साल 72 दिन की उम्र में यहां विकेट झटका था, जबकि सबसे कम उम्र में इंग्लैंड की धरती पर पहले गेंदबाज खालिद हसन हैं, जिन्होंने 1954 में 16 साल 353 दिन की उम्र में विकेट हासिल किया था। नसीम ने ओली पॉप का विकेट लिया जो काफी अहम साबित हुआ। ओली पॉप क्रीज पर टिक चुके थे और 62 रनों पर खेल रहे थे, लेकिन नसीम ने उनकी पारी को वहीं पर रोक दिया। ओली पॉप ने 5वें विकेट के लिए विकेटकीपर जॉस बटलर के साथ 65 रनों की साझेदारी भी कर ली थी, लेकिन नसीम ने 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर ओली को शादाब खान के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।